हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी लेके आई हूँ। आखिर में चल क्या रहा है आप लोगों के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 2022 के लास्ट एंडिंग पे हैं, जहाँ पे ये साल पूरा ख़त्म होने को आया है। तो वैसे ही एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी होते जा रही है। मीन्स जैसे जैसे हम एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, 23 के से हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी होते जा रही है। तो ये आखिर में हो क्यों रहा है और कैसे हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, कैसे हमको डील करना है सिचुएशन में, तो वो सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी के बारे में बताती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही निगेटिविटी का अटैक हो रहा होगा। मीन्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे और ड्रीम्स में भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज हो गई या फिर निगेटिविटी का अटैक हो गया। ड्रीम में आपको कुछ खाने से लेके हो गया या फिर कुछ ऐसी ब्लैक कलर हो गया, टॉयलेट हो गया, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी जो आपको मतलब ट्रिगर कर रही ड्रीम में भी। तो समझ जाओ कि ये आप लोगों के लिए एक वार्निंग है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो निगेटिविटी का अटैक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लस्ट की एनर्जी फील हो रही है, सेक्सुअल एनर्जी फील हो रही है, ड्रीम में भी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, तो अच्छे से आप लोग प्रोटेक्शन लेके सोइए और किसी से भी आपको उलझने की कोशिश ना करो तो इस समय बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो निगेटिव एनर्जी होती है वो अच्छे तरीके से जानती है कि हमें कहाँ पे किस जगह पे चोट किया जा सकता है। अगर आप लोगों की कोई भी कमजोरी होगी तो वहाँ से आप लोगों को ट्रिगर मिल सकता है, आप लोगों के कार्मिक आपको ट्रिगर कर सकते हैं, यहाँ तक कि इस वक्त आपके DM भी आपको ट्रिगर कर सकते हैं। आप लोग अगर कुछ हो भी नहीं रहा है तो कुछ ऐसी छोटी सी छोटी बात पे आप लोग ट्रिगर हो रहे हो। मीन्स अपने आप को मतलब अपने आप ही आप लोग रोने लग जा रहे हो, कुछ भी मतलब बात हो रही है तो आप लोग ट्रिगर हो जा रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, ना कि तुरंत उस चीज़ में आप लोगों को मतलब लड़ना है, झगड़ना है। और 3 से 4 बार दिन में आप अच्छे से ऑरा क्लींजिंग करिए, घर को अच्छे से क्लींज करिए, क्योंकि जब तक आप अपने खुद की जो एनर्जीज है उसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो वो ऐसे ही फ्लो होते रहेगी आपकी एनर्जी से। इसलिए कोशिश करिए कि ज़्यादा किसी से मिलिए मत इस वक्त, अपनी एनर्जीज को स्टोर करके रखिए। और अगर इस वक्त DM कुछ भी आपको बोलते हैं तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर करना है, उसमें किसी भी चीज़ में आपको रिएक्ट नहीं करना है। देखिए क्या होता है, DM के साथ अभी क्या चल रहा है, एक तो कार्मिक के साथ बहुत सारी चीज़ें खराब हो चुकी है या हो रही हैं, तो उनका एक रहता है कि कहीं से वो सपोर्ट मिले। वो सपोर्ट कहाँ से मिलता है, डिवाइन फेमिनिन से, कि हर सिचुएशन में एक पैम्पर करना, सपोर्ट करना। लेकिन अब डिवाइन फेमिनिन को अच्छी तरीके से समझ आ चुका है कि क्या करना है, कैसे हमें एनर्जीज नहीं देना है अपने DM को। तो वो DM अब उस चीज़ को ना वो कर नहीं पा रहे हैं कि ये मेरी DM को हो क्या गया है, मतलब कुछ चीज़ समझ नहीं रही है। अगर मैं कुछ बोल भी रहा हूँ तो उस जैसे पहले मतलब रिएक्ट करती थी, परेशान होती थी मेरे लिए, अब क्यों नहीं हो रही है। अगर सेपरेशन में हो और थोड़े टाइम के लिए बातचीत हुई है तो उसमें भी सोच रहे हैं कि ये क्यों खुद से समझ नहीं पा रही है, कि मैं हर चीज़ इसको समझाऊँ, खुल के बोलना ज़रूरी है क्या। पहले तो ये हर चीज़ समझ जाती थी। तो ये सब चीज़ें डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हो रही है। अगर खुद से भी एक मैसेज कर रहे हैं हाय करके, अगर DF उसका रिप्लाई भी कर रही तो उसके बाद फिर वो स्टॉप कर दे रहे हैं उस मैसेज को, मतलब अभी बात करने के वो मूड पे बिल्कुल भी नहीं है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है अपनी DF के ऊपर। तो इसलिए अभी थोड़ा उनसे दूर रहिए, बात करने की कोशिश मत करिए। अगर वो खुद से आ रहे हैं तो नॉर्मल अगर बात कर रहे हैं तो करो, अगर नहीं कर रहे तो अदरवाइज़ उसको लेट गो करो, अपनी एनर्जी पे फोकस करो, अपना इनर वर्क करो। अगर नहीं भी मन कर रहा है तो रेस्ट करो। सिर्फ अभी आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी एनर्जीज को स्टोर करना है।
क्योंकि अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में फंसते हो तो वो फिर आप उसी लूप में फंसे रहोगे। तो ये अर्जेंट चैनलिंग थी जो मैं 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा रिसीव कर रही हूँ कि अभी कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज है। जो चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है, निगेटिविटी का अटैक हो गया, कार्मिक ट्रिगर कर रहे हैं, इनर वर्क नहीं करने दे रहे हैं, किसी हर चीज़ में आप लोग में अड़चन डाल रहे हैं, कोई भी काम अच्छे से नहीं हो रहा है, आप लोगों को बात करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब एक साइलेंट वाली एनर्जीज है, मीन्स किसी से बात करने का मन नहीं, चुपचाप रहो, या फिर कहीं कहीं मतलब DF को बहुत ज़्यादा DM से बात करने की क्रेविंग हो रही है, अगर वो नो कॉन्टैक्ट में है तो भी ये समझ जाओ कि ये भी निगेटिविटी का अटैक है। तो आप लोगों को कांटेक्ट नहीं करना है DM को, वो अगर किसी चीज़ में रिएक्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ें, अगर इसके बाद भी आप लोग रिएक्ट कर रहे हो तो फिर वो आप लोगों की गलती है। तो अच्छे से प्रोटेक्शन लेके सोना है आप लोगों को, रात को अच्छे से आप लोग एक काम कर सकते हो कि जैसे आप लोग लेटते हो रात में सोते वक्त तो विजुलाइज करना है कि यूनिवर्स से एक वाइट कलर की लाइट आ रही है और आपके पूरे चारों तरफ एक वाइट कलर का बबल बना दी जिसमें आप प्रोटेक्ट हो। तो जब एक आप विजुलाइज कर लेते हो कि हाँ आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन कवच है तो उसके बाद कुछ भी नेगेटिविटी का अटैक नहीं हो सकता है। तो ये ज़रूर करना है आपको किसी भी हालत में, कितनी भी नींद आए, कितनी भी तबीयत ख़राब हो, रात में ज़रूर करना है, क्योंकि अभी इस वक्त ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं। तो ये जो नेगेटिविटी का अटैक होता है वो ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये हमारी एनर्जीज को शक करते हैं। तो ये आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना है, ये मैं आप लोगों को वॉर्न कर रही हूँ, जितना हो सके प्रोटेक्शन का वच में रहो, आर्चेंजल माइकल से प्रोटेक्शन लो। अगर आप लोगों को कुछ भी गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।